एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे किचन में। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मिनी समोसे की रेसिपी, जो कि फटाफट से तैयार भी हो जाते हैं और बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक बड़ा बोल ले लिया है। साथ में यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 2 कप के करीब मैदा। तो ये अभी मैंने 1 कप डाल दिया और यहाँ पर मैंने ये 2 कप डाल दिया। इसके बाद इसमें डाल लेंगे नमक, साथ में यहाँ पर डाल लेंगे थोड़ी सी अजवाइन। तो 1/4 चम्मच के आसपास यहाँ पर मैं अजवाइन ले रही हूँ, ये थोड़ा सा क्रश करके डाल देंगे। साथ में डाल देंगे मंगरेल यानी कि कलौंजी, तो ये थोड़ी सी डाल रही हूँ। इसके साथ इसमें डाल देंगे 3 से 4 टेबलस्पून के करीब तेल। तेल डालने के बाद आटे को हम मिलाएंगे अच्छे से, जब तक कि इसकी अच्छी बाइंडिंग ना हो जाए तब तक इसे हम इसी तरीके से मिलाते रहेंगे। और यहाँ पर मैदे को मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है और ये बिल्कुल बाइंडिंग के फॉर्म में आ गया है, तो बस इसे इतना ही मिलाना है। इसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका हम डो लगा लेंगे। तो यहाँ पर इसका मीडियम डो लगाना है, बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं लगाना, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं लगाना। तो यहाँ पर मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसको गूंद लेती हूँ और यहाँ पर 1 चम्मच तेल डालकर आटे को थोड़ा सॉफ्ट कर लेंगे। आटा यहाँ पर मैंने गूंद लिया है। इसके बाद मैं इसे कवर करके 10 मिनट के लिए रख देती हूँ, तब तक हम बाकी की तैयारियाँ कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर मैंने लिए हैं मीडियम साइज़ के आलू, तो 6 बॉयल आलू हैं, 6 से 7 आलू, और इसे मैश कर लेंगे। आप चाहें तो इसे ग्रेट भी कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने आलूओं को मैश कर लिया अच्छे से। इसके बाद इसमें डालते हैं कुछ मसाले। मसालों यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 1/4 चम्मच हल्दी का पाउडर, साथ में डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर, तो ये आप अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया। साथ में डालेंगे 1/2 चम्मच गरम मसाला, इसके साथ ही 1/2 चम्मच डाल देंगे भुने जीरे का पाउडर, साथ में डाल देंगे फ्रेश कूटी हुई काली मिर्च। तो यहाँ पर मैंने इसे तुरंत ही कूटा है, तो यहाँ पर मैं 1/2 चम्मच के आसपास डाल रही हूँ। आप जैसा भी तीखा पसंद करते हैं उसके अनुसार ले सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर मैं डाल रही हूँ नमक स्वाद के अनुसार। तो आटे में भी नमक डाला है, तो नमक हम ध्यान से ही डालेंगे। तो नमक डालने के बाद इसमें मैं डाल रही हूँ चाट मसाला। अगर आपके पास चाट मसाला नहीं है तो यहाँ पर आप आमचूर के पाउडर भी डाल सकते हैं। तो ये मैंने डाल दिया है 1/2 चम्मच चाट मसाला। चाट मसाला डालने के बाद इसमें मैं डाल रही हूँ 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, आप अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हैं। साथ में डाल देंगे 1 बारीक कटा हुआ हरा धनिया। और अब सभी चीज़ों को अच्छे से मिला देना है, तो ये हमारी समोसे की स्टफिंग तैयार हो जाएगी। और यहाँ पर हमारा ये आलू का मिक्सचर बनके तैयार हो गया है, इसे भी रखते हैं साइड में। और इसके साथ यहाँ पर मैं बना रही हूँ मैदे का एक घोल। तो 2 चम्मच यहाँ पर मैंने मैदा ले लिया है और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसका एक थिक सा घोल बना के तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने ये मैदे का घोल भी बना के तैयार कर लिया है, इसे भी रखते हैं साइड में। और अब बना लेते हैं धनिया की चटनी। चटनी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने हरा धनिया ले लिया है, साथ में टमाटर है, अदरक है, 3 लहसुन की कलियाँ हैं, यहाँ पर मैंने 3 टेबलस्पून के करीब दही ली है और साथ में यहाँ पर हरी मिर्च ली है। तो थोड़ा सा पानी डालकर सभी का एक फाइन सा पेस्ट बना के तैयार कर लेंगे, साथ में नमक भी ऐड कर लेंगे। तो मैं इसकी चटनी बना के तैयार कर लेती हूँ। हरे धनिया के साथ आप पुदीना भी ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर मैं पुदीना ऐड नहीं कर रही हूँ, तो मैं इसको पीस के तैयार कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने सभी चीज़ें ग्राइंडिंग जार में डाल दी है, साथ में ये दही भी डाल देंगे। आप चाहें तो बिना दही के भी बना सकते हैं। और इसके साथ ही यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ स्वाद के अनुसार नमक, साथ में ऐड कर लेते हैं पानी और इसकी चटनी तैयार कर लेती हूँ। और यहाँ पर चटनी भी हमारी तैयार हो गई है। तो आटे को रखे हुए भी 10 मिनट हो गए हैं, आटे को एक बार हम अच्छे से फिर से गूंद लेंगे। तो आटे को मैं यहाँ पर निकाल लेती हूँ और एक बार इस तरीके से इसे गूंद लेते हैं। इसके बाद हम निकालेंगे इसमें से लोई, जैसे हम पूरियों के लिए लोइयाँ निकालते हैं बिल्कुल उतनी ही छोटी निकालेंगे, ये देखिए इस तरीके से। और इस आटे को हम ढक के रखेंगे। और इसे बेल लेंगे, सेम लोई तैयार कर लेंगे इससे भी।
सूखा मैदा लगाते हुए इसे बेल के तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक पूरी बेल के तैयार कर ली है। इसके बाद इसके बीच में से हम लगाएंगे कट और इसके बाद सभी किनारों पे ये स्लरी लगा देंगे। इसके बाद जो हमने ये स्टफिंग बना के रखी है ये ले लेंगे। देखिए इतनी स्टफिंग मैंने ली है और ये रखेंगे बिल्कुल सेंटर में। इसके बाद इसे कर लेते हैं फोल्ड। तो इस तरीके से फोल्ड करना है। ये हमारा एक समोसा तैयार हो गया है। ये देखिए बहुत ही आसानी से फोल्ड भी हो गया और बिल्कुल समोसे की शेप आई है। इसे भी फोल्ड कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसे भी ऐसे फोल्ड कर लेंगे और किनारों को इस तरीके से चिपका देंगे। इसके बाद दूसरे किनारे को इस तरीके से चारों तरफ से अच्छे से चिपका देना है ताकि इसकी स्टफिंग ना निकले फ्राई करते समय। तो यहाँ पर मैंने दो मिनी समोसे तैयार कर लिए हैं। तो इसी तरीके से सारे कर लेंगे। एक बार और मैं फोल्ड करके दिखाती हूँ कैसे फोल्ड करना है इसे। इस तरीके से किनारों को अच्छे से मिला देना है। इसके बाद दूसरे को उठाएंगे, यहाँ से अच्छे से फोल्ड करेंगे और इस तरीके से चिपका देंगे। बिल्कुल समोसे की शेप आ जाएगी। ये देखिए इसी तरीके से मैं सारे मिनी समोसे बना के तैयार कर लेती हूँ। इसे भी फोल्ड कर लेते हैं। और जो हमने इसमें घोल लगाया मैदे का उसकी वजह से ये बिल्कुल भी खुलेगा नहीं। ये देखिए तो यहाँ पर मैंने चार मिनी समोसे बना के तैयार कर लिए हैं और चलते हैं इन्हें फ्राई करने के प्रोसेस में। तो फ्राई करने के लिए गैस पर मैंने एक तेल चलते इन्हें फ्राई करने के प्रोसेस में और फ्राई करने के लिए कढ़ाई में मैंने तेल गरम किया है। तो तेल को यहाँ पर मीडियम गरम करना है इन्हें फ्राई करने के लिए। मीडियम गरम हो गया है और जो हमने ये समोसे बनाए हैं वो डाल देते हैं। गैस के फ्लेम को मीडियम टू लो रखते हुए समोसों को फ्राई करेंगे। अलट पलट कर अच्छे से क्रिस्पी होने तक फ्राई करना है। थोड़ा सा और कलर चेंज होने तक फ्राई करेंगे इन्हें। लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे सारे समोसे अच्छे से फ्राई हो गए हैं। तो बस इसे इतना ही फ्राई करना था और बाकी बचे हुए सारे समोसे इसी तरीके से मैं फ्राई कर लेती हूँ। लीजिए फ्रेंड्स, तैयार है हमारे ये सुपर क्रिस्पी समोसे और बाकी मैं फ्राई कर रही हूँ सारे। तो ये देखिए कितने बढ़िया से हमारे समोसे बने हैं। तो इस तरीके से मिनी समोसे बनाइए और अच्छा लगने पर फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। मेरे साथ कमेंट करके शेयर कीजिए कि मिनी समोसे की रेसिपी आपको कैसी लगी। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ नए वीडियो में। धन्यवाद।